प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरा नारंग आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज शतक पे। आप सब देख रहे हैं अपना प्रोग्राम टारो राशि फल विद सुनिधि। बात करने जा रहे हैं आज 1 अगस्त के राशि फल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लव टिप की। तो अगर आपको लगता है अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, मनपसंद पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको चावल और बेसन राइस यानी कि चावल और बेसन आपको लेना है। सिक्स थर्सडे लगातार इनको आपको मंदिर में देके आना है, चावल और बेसन। आप ऐसा करिएगा, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। हम शुरू करते हैं अब अपना राशिफल एरीज राशि से, मेष राशि से। वाओ, जस्टिस आपके लिए आज का दिन अच्छा है। एक पॉजिटिव सा चेंज आपके आसपास चल रहा है, न्याय आपको मिलता हुआ दिख रहा है, आपके हक में बात होती हुई दिख रही है, ऑफिस में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी बात को सुना जाएगा, करियर में ग्रोथ का समय दिख रहा है, खूब मेहनत कीजिए, चीज़ें आपके हक में होती हुई दिख रही हैं। आपको आज क्या करना है, हनुमान चालीसा पढ़ के अपने दिन की शुरुआत करनी है। वृषभ यानी कि टॉरस राशि वालों, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आज फाइनेंशियल गेन का समय दिख रहा है, पैसों से संबंधित अच्छी खबर मिल सकती है, पैसे ग्रो होते हुए दिख रहे हैं, पैसा लगाना आज के दिन अच्छा है। तो आज के दिन मनी को आप अगर डबल करने का, इन द सेंस मेहनत करके उसमें कुछ फायदा लाने के सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको आज धन का दान भी देने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि जेमिनाइज, आपके लिए कार्ड आया है मिथुन राशि वालों, किंग ऑफ कप रिवर्स, इमोशनल लेवल थोड़ा हिला हुआ दिख रहा है, इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आती हुई दिख रही है, तो थोड़ा सा आप अपने पे काम कीजिए, अगर हो सकता है ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन की हैबिट डालिए, तो कुछ इमोशनली आप स्ट्रांग होंगे, क्योंकि थोड़ा सा इमोशनली टाइम इतना अच्छा नहीं चल रहा है, इमोशनली थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपके आसपास चल रही है, तो थोड़ा सा अगर आप मेडिटेशन से जुड़ते हैं, अपनी पूजा पाठ रोज का लगातार करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के दिन आपको क्या करना है, ओम नमः शिवाय को 108 बार उनका जाप करना है। कर्क राशि वालों, कैंसेरियन अच्छा आया है आपका, फाइनली कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आया है, तो आज के दिन आपको फैमिली के साथ अच्छा रहेगा, आप फाइनेंशियल गेन्स का दिन है, कंप्लीशन का दिन है, जो भी करेंगे उसे कंप्लीट करेंगे, कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, जॉब में है तो आज अच्छी प्रोग्रेस दिखती हुई दिख रही है, जो काम मिलेगा, प्रोजेक्ट मिलेगा उसको अच्छे से पूरा करेंगे, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, होम मेकर हैं तो भी घर में काम करते हैं, घर में बिजी रहते हैं तो भी आपके लिए दिन अच्छा है, तो ऑल ओवर सबके लिए आज का दिन अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। आज आपको क्या करना है, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी है। लियोज आपकी बात करें तो आपके लिए कार्ड आया है मैजिशियन, जो कहता है कुछ नया सोच रहे थे, नया करना चाह रहे थे, उसकी नींव रखने के लिए बहुत अच्छा दिन है। लियोज आज आपके लिए कुछ अपनी तरफ से एफर्ट लगाएं, अपनी तरफ से आप जो भी एफर्ट लगाएंगे उसका आपको रिजल्ट जरूर मिलने वाला है, आपके जो स्टार्स आपके फेवर कर रहे हैं, मेंटली भी आज आप स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं, आज आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है या रहेगा, आज काफ़ी कॉन्फिडेंट आप रहेंगे, लोग आज आपसे इम्प्रेस हो सकते हैं। आज आपको क्या करना है, आज आपको गाय को हरा चारा खिलाना है। कन्या राशि आपके बारे में बात करें तो आपके लिए वर्गोस कैसा रहने वाला दिन, एस ऑफ कप्स आपके लिए अच्छा कार्ड आया है, इमोशनली फुलफिलिंग दिन रहेगा, लोगों के साथ आपके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, अपनों के साथ रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, जहां मजबूत करना चाहेंगे रिश्ते वहां मजबूत होंगे, रिलेशनशिप वाइज अच्छा कंप्लीट दिन लग रहा है, फ्रेंड्स के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं, ऑफिस में अच्छे रिलेशनशिप आपके आज डेवलप हो सकते हैं, कुल मिला के इमोशनली दिन अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। आज भगवान राधा कृष्ण की पूजा आराधना जरूर कीजिएगा। तुला राशि वालों आपके बारे में बात करें तो आपके लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड आया है, थोड़ा सा मेंटली आज परेशान हो सकते हैं, कोई ना कोई मानसिक चीज़ कोई ना कोई सता सकती है आपको, तो कोई बात नहीं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप को बिजी रखिए जितना अच्छा रहेगा, कुछ ना कुछ अपने आप को माइंड को ऑक्यूपाइड रखें, कोशिश कीजिए, आपके लिए ये भी अच्छी गाइडेंस है कि नेगेटिव साइड पे नहीं जाना है, नेगेटिव थॉट्स को आपको अपने ऊपर नहीं ओवरपावर होने देना है, अपने पे हावी नहीं होने देना, उसको एक सीजर लेके अपने आप थॉट में कट करते रहना है, आपके लिए अच्छा रहेगा, और यही आपके लिए उपाय भी है कि आपको जब भी नेगेटिव थॉट आती है उसको इमेजिनेशन में कट कर दीजिएगा एक कैंची के साथ, सीजर के साथ। वृश्चिक राशि वालों आपके लिए क्या कार्ड्स कहते हैं, आपके लिए वृश्चिक राशि वालों क्वीन ऑफ कप रिवर्स आया है और साथ में आया है 5 ऑफ वांड्स, तो आज मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण थोड़े से मतभेद हो सकते हैं वृश्चिक राशि वालों, थोड़ा आपको जुबान पे अपनी कंट्रोल रखना पड़ेगा, आप जितना मीठा बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा आप आज स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए नहीं तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, नेबर्स के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, अपनों के साथ रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है, थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा, संध्या काल में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर कीजिएगा।
धनु राशि वालों, आपके बारे में बात करें तो आपके लिए टेम्परेंस कार्ड आया है। आज मेहनत करने का दिन है, खूब मन से मेहनत कीजिएगा, आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। आज आपको प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, आज एक ठहराव आएगा जिंदगी में, आज रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा ठहराव आता हुआ दिख रहा है, तो आज ऑल ओवर एक पीस सी लाइफ में रहेगी और आपका दिन अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। आपको आज क्या करना है, आज आपको घर की एंट्रेंस में एक घी का दिया जलाना है। अब हम बात करते हैं हमारी अगली राशि जो कि मकर राशि है, हर्मिट है। हर्मिट कहते हैं कुछ अच्छा एक चेंज आता हुआ आज आपके दिन में दिख रहा है, यानी कुछ ना कुछ अगर आप अपनी तरह से प्लान करेंगे सक्सेसफुल रहेगा, जो आज सोचेंगे उसको पूरा करेंगे, कुछ अगर अपने आप में बदलाव लाना चाह रहे हैं तो आज का दिन अच्छा है। आज मेंटल जो आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, मानसिक स्थिति मजबूत होती हुई दिख रही है, आज आप अपने आप पे काम कर सकते हैं, अपनी कमियों को आज सुधारने की आज कोशिश करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। आज हो सके तो अपने घर में जो फीमेल है उनको कुछ ना कुछ तोहफे स्वरूप जरूर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं हमारी अगली राशि जो है कुंभ राशि। एक्वेरियंस, आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ वैंड रिवर्स, जो कहता है कि आज थोड़ा सा आप जो चीज सोचेंगे उसको पूरा करने में थोड़ा डिले रहेगा। अगर आप एक टाइमलाइन डिसाइड करेंगे कि मैं 6 बजे तक काम खत्म कर लूंगा तो वो टाइमलाइन पूरी नहीं होगी, दिन आज आपके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला है, अपने अकॉर्डिंग चलने वाला है, तो दिन में कुछ हेर फरेब रहेगा, आपकी जो प्लानिंग रहेगी उससे थोड़ा सा डिफरेंट आज दिन आपका निकलेगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि मन अपना मूड मत खराब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग दिन नहीं जाएगा। आप जो डेडलाइन अपने लिए सेट करेंगे कि आज मैं ऐसे काम करूंगा वो नहीं पूरी होंगी, दिन थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंग नहीं जाता हुआ दिख रहा है। और थोड़ा कोशिश कीजिएगा रिश्तों को आज थोड़ा सा नरमी से पेश आएंगे अपने अपनों के साथ, नहीं तो आज आपकी बातें लोगों को बुरी भी लग सकती हैं। आज दिन की शुरुआत आप 11 बार गायत्री मंत्र के साथ कीजिएगा। अब हम बात करते हैं हमारी आखिरी राशि मीन राशि पाइसेंस, आपके लिए 4 of Wands कार्ड आया है, तो दिन आपका अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। आज अच्छा काम बनते हुए दिख रहे हैं, प्रॉपर्टी संबंधित काम आपके पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, प्रॉपर्टी बेचना प्रॉपर्टी खरीदना, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं अच्छी खबर मिल सकती है। अगर शादी संबंधित भी आपके काम बन सकते हैं, शादी नहीं हो रही थी उसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो सकती है, कुछ ना कुछ अच्छी खबर आ सकती है, मैरिड लाइफ में भी आज इंप्रूवमेंट होती हुई दिख रही है। आज आपको क्या करना है, आज किसी निर्धन को धन का दान जरूर कीजिएगा। ये था टैरो राशिफल, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा टैरो राशिफल पसंद आया है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, एस्ट्रो तक के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।